ओके वेलकम टू मूपायर एंड आई है क्वेश्चन फॉर यू किसी करेक्टर को जो कि हमारे अमंग एक डिकेट से भी ज़्यादा है उसको एक परफेक्ट एंडिंग देने में कितनी ही मुश्किल होती हो एक करेक्टर जो कि फैंस के अमंग्स बहुत फेवरेट है मगर अब उस एक अच्छी नोट पे एंड करना हो जो कि उस करेक्टर की रिस्पेक्ट भी करे उस स्टोरी लाइन को फिनिश भी करे ये कितना ही मुश्किल हो सकता है इसकी हमारे पास में काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जैसे आयरन मैन लोकी और लोगन वो सब के सब एक बिल्कुल सही नोट पे शुरू हुए और एक परफेक्ट नोट पे एंड हुए क्योंकि हर चीज़ को एंड होना ही होता है लेकिन कभी कभार कुछ करेक्टर्स की एंडिंग ऐसी की जाती है जो कि बार ऐसे इतना नीचे सेट करती है कि दूसरे करेक्टर वैसे नहीं बनने की कोशिश करते हैं मैं बात कर रहा हूँ गेम के बारे में उसके अंदर हमारा फेवरेट आर्कम नाइट का बैटमैन है जिसकी इंसल्ट उन्होंने इतनी बुरी तरह से की है अब मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकता आर्कम नाइट का बैटमैन जो हमारे दरमियान दो हजार तेरह से है जिसको दस साल होने वाले आर्कम नाइट का बैटमैन वो है जो कि एक ना, नाइट के अंदर अपने सबके सब गुंडों को साफ कर सकते आर्कम नाइट का बैटमैन वो है जिसको हमारे लेजेंडरी केविन कोनरवे ने आवाज दी है आर्कम नाइट का बैटमैन वो है जिसको फैंस कहते हैं कि ये बेस्ट बैटमैन है जो कि कॉमिक बुक से कभी भी पोर्ट्रेट किया गया किसी भी चीज के अंदर लेकिन इस बैटमैन का एंड कैसे सोचा गया एक बुलेट और एक बेस्ट वो भी चार उल्लू के पट्टों के हाथों इतनी इंसल्ट किसी करेक्टर के लिए भी हो नहीं सकते मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स के अंदर सुसाइड स्कॉट बैटमैन को मार दे आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट अगर रोक स्टडी ने गेम बनानी थी किसी पर पे जिसमें पे वो जस्टिस को मारी है शोर तुम बनाओ लेकिन तुम सिर्फ उस गेम को दूसरे गेम्स के फैंस ला के देने के लिए जो कि आर्कम नाइट खेलते हैं और जो कि सुसाइड स्कॉट में इंटरेस्टिंग भी ना हो लेकिन सिर्फ तुम एक पुराने करेक्टर को जो कि काफ़ी फेमस है अपनी नई गेम को चलाने के लिए लेके आ रहे हो अगर तुम लेके आए हो वो भी मसला नहीं है अगर तुम लेके आए हो तो उसके करैक्टर के साथ तुम जस्टिस भी नहीं कर रहे हो और उसकी इंसल्ट कर रहे हो ये बात कितनी अनोइंग है और ऊपर से ये बात तो कम अनोइंग है आपको पता है कि केवन कॉर्नर में हमारे दरमियान नहीं रहे नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा बैटमैन का करैक्टर प्ले किया है हर मूवीज़ के अंदर वो हमारे दरम्यान में नहीं रहे और ये उनकी आर्कम नाइट बैटमैन का लास्ट वॉइस ऑफर था जो हमारे पास था कम से कम अगर उन्होंने बैटमैन आर्कम नाइट की रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखना था उन्हें कम से कम केविन कॉनरवे की लास्ट परफॉर्मेंस को तो देखना चाहिए था लेकिन नहीं उन्होंने ना करेक्टर के साथ जस्टिस किया ये गेम सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरी गेम जिसके काफ़ी ज़्यादा फैंस है उस गेम को अपनी किसी और गेम जो कि लोग खेलना नहीं चाहते हैं उसकी तरफ लाना चाहते हैं ना ना के उस गेम के खुद के फीचर्स बताए बिना सिर्फ किसी दूसरे बंदे के करेक्टर को दिखा के जो फेमस है उसको लाना चाहते हैं और फिर वो उस करैक्टर के साथ जस्टिस भी नहीं करते हैं। ये वो गेम है ओके मैं कभी कभार कभी रूट हो जाता हूँ लेकिन आई डोंट सी दैट ये कोई करैक्टर की एंडिंग तो नहीं है जो मैं कभी सोच सकता हूँ या कभी सोची जा सकती है मैं ये जब मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुसाइड स्कोट खेलूंगा और मैं आर्कम नेट के बैटमैन से काफी करीब नहीं जुड़ाऊँ मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुसाइड स्क्रेट किल था जैसे खेलूँगा लेकिन मैंने सोचा था मैं उसके पोस्ट करकेटर देखूंगा लेकिन जिस दिन मैंने वो बैटमैन का वो मरने वाला सीन देखा ना मुझे समझ आ गई थी कि ये इन्होंने क्या किया लेकिन इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता केविन कैन भी हमारे लिए हमेशा बैटमैन रहेंगे आ रे आई वेंजेंस आई एम द नाइट आई एम बैटमैन